ये दलितों को घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, तो पानी पीने पे मारा जा रहा है, तो मूछ रखने पे मारा जा रहा है। नहीं, एक सरकार जो संविधान के थ्रू चुनी जाती है और हिटलर शाही करती है, एक ठोक तंत्र पे काम करती है। अगर कांग्रेस में आपसी सहमति होती तो क्या बुरा है अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी दलित समाज से हो जाता? क्या आप पप्पू से भी इतना डरते हैं? आप जिसको पप्पू कह रहे हैं फिर आप पप्पू से डर भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि यही है राइट चॉइस बेबी। दोस्तों 2023 में हम खड़े हैं और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 3 राज्यों में तो खत्म भी हो चुका है। अब 2024 की तैयारी है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? विपक्ष कह रहा है कि नीतीश बनेंगे, कोई कह रहा है ममता बनर्जी बनेंगे, कोई कह रहा है राहुल बनेंगे, तमाम चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी एक ही दावा कर रही है कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। आज हम बात करेंगे, मशहूर शख्सियत हमारे साथ हैं एमएन रिजवी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। एमएन जी बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। हाँ शुक्रिया कमर। 2024 में सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के जहन में है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए प्रधानमंत्री तो जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कि जिस लिहाज से मोदी जी और इनकी बटालियन पूरी अपोजिशन पे हमले कर रही है, ईडी सीडी का यूज़ कर रही है, जिस तरह राहुल गांधी को हरेस करा जा रहा है, और जिस तरह मतलब आप मन की बात करते हैं, ढंग की कोई बात करते नहीं प्रधानमंत्री जी, और राहुल गांधी से अगर कुछ महिलाएँ मिल लेती हैं और कहती हैं कि वो इनसिक्योर फील करती हैं, राहुल जी उनके साथ गलत हुआ, तो आप दिल्ली पुलिस को पीछे लगा लेते हैं कि उन औरतों के शजरे कंगालो। तो यानी फ़र्क पड़ता है, जिस बंदे को आपने पप्पू बनाने के लिए इतना पैसा खर्च करा तो आप पप्पू से भी आपको डर लगता है ना? वो नहीं नहीं नहीं, अगर वो पप्पू होते तो आप पप्पू से भी इतना डरते हैं? आप जिसको पप्पू कह रहे हैं फिर आप पप्पू से डर भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि यही है राइट चॉइस बेबी, यानी राहुल गांधी जो है वो राइट चॉइस है लोगों की। और राहुल जी टक्कर देंगे मोदी जी को? बिल्कुल, अरे देंगे क्या, राहुल गांधी के पूरे खानदान एक रॉयल फैमिली से है, 70 साल 75 साल उन्होंने यहाँ राज्य करा है, और भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी ने पप्पू वाला शैल तोड़ के बाहर निकला तो लोगों ने यही कहा यही है राइट चॉइस बेबी, हमारी यही राइट चॉइस है और यही हमें प्रधानमंत्री। नहीं, नहीं, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले, ये पप्पू पीएम बनेंगे बीजेपी कह रही है, पप्पू पार्टी बीजेपी साबित हो गई ना, इनके तमाम जो आंकड़े हैं, इनके तमाम जो फंडे हैं, वो तमाम के तमाम धराशायी हो गए। आप ये देखिए कि आप किसने इनका बुरा हाल है, किस तरह कर्नाटक में आप देखिए कि कर्नाटक में कितना भ्रष्टाचार है, आज जिस तरह राहुल गांधी ने बेनकाब करा, राहुल जी का बयान देखिए, राहुल जी ने कहा कि मोदी जी आप कहां सोए पड़े हैं, जिस कर्नाटक में हम खड़े यहां पर 40% कमीशन भ्रष्टाचार में जाता है, 60% लोगों तक नहीं पहुंच पाता, वहां तो आपकी सरकार है। आप वहां देखिए किस तरह एमएलए के बेटे 9-9, 10-10 करोड़ की रिश्वत देते पकड़े जाते हैं। कर्नाटक जीत जाएगी कांग्रेस इस बार, लगता है इस बार कर्नाटक कांग्रेस ही जीत रही, इसीलिए इनको हड़बे हैं, इसीलिए राहुल गांधी के पीछे हैं, तो ईडी तो सीबीआई तो ये तमाम अपोजिशन के पीछे, क्योंकि इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है वो एक साथ आकर खड़ी हो गई है, वो तमाम लोग एक हो गए और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष एक कैसे लग रहा है, सीबीआई के मुद्दे पर अलग अलग राय है, आप देख रही है कि सीबीआई सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो दिल्ली कांग्रेस अलग राह गलाप रही है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अलग राह गलाप रही है, यानी अगर तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है तो पूरी कांग्रेस एक साथ रहती है, सिसोदिया के मसले पर अलग अलग हो जाती है। आपको ये तो सबको ही पता है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं बी टीम साबित होते हैं। आप देखिए कि गुजरात में हमें पहले ही पता था कि दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन पूरे के पूरे एक बिल्कुल सेट थे, कंप्रोमाइज इलेक्शन थे, और गुजरात क्योंकि खराब कर आए थे केजरीवाल साहब, वहाँ पर 55 से 60 सीटें जो हैं बीजेपी को सीधी सीधी वो दिलाकर आए जो कांग्रेस की थी, तो ये बिल्कुल कंप्रोमाइज इलेक्शन था कि तुम हमें गुजरात दिलवा दो, क्योंकि गुजरात नाका मामला था, हम दिल्ली एमसीडी तुम्हें दे देंगे। चलिए दिल्ली सेट के हम देश की बात करते हैं, आपने कहा कि राहुल गांधी में उद्दम है, राहुल गांधी राइट चॉइस बेबी आपने कहा, लेकिन बहुत सारे चेहरे हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, ममता बनर्जी भी, मायावती भी, तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं अब दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं तो बनने में कोई एतराज नहीं, और गांधी परिवार तो हमेशा ही सैक्रिफाई करता चला आया है, मनमोहन सिंह साहब के जमाने में सैक्रिफाई करा, खड़के जी के जो पद दिया उसमें सैक्रिफाई करा। अगर कांग्रेस में आपसी सहमति होती तो क्या बुरा है अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी दलित समाज से हो जाता, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जिस भी समाज का हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी समाज से बिल्कुल ना हो, वो गुफाओं से उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ना हुई हो, वो फर्जी भगवा चोला वाला ना हो, वो जो देश की बात करे, जो हित की बात करे, जो संविधान की बात करे, जो महिलाओं की गरिमा की बात करे, जो पत्रकारों को सुरक्षा दे, जो किसानों को सुरक्षा दे,
वो देश का प्रधानमंत्री पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आपको लगता है कि पत्रकार सुरक्षित है? आपने देखा था किस तरह लखीमपुर खीरी में पत्रकारों को मारा गया था, किसानों को मारा गया था, और तमाम के तमाम कातिल जो हैं वो आजाद फिर रहे हैं। जिस तरह मॉब लिंचिंग का ट्रेंड बढ़ा है कि मुसलमानों को डराने के लिए, पूरे भारत के समाज को डराने के लिए मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, तो पानी पीने पर मारा जा रहा है, तो मूछ रखने पर मारा जा रहा है, दलितों की बेटियों को, अगर मनीषा वाल्मीकि आपको याद हो किस तरह उसको नरसंहारी हुआ था एक तरह का, और उसके जो अंतिम संस्कार में भी उसकी फैमिली को शामिल नहीं होने दिया था, और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार नहीं करा था। तो इस वक्त भारत का तमाम समाज, तमाम कम्युनिटी जो है इन लोगों से नाराज है। नहीं, एक सरकार जो संविधान के थ्रू चुनी जाती है और हिटलर शाही करती है, एक ठोक तंत्र पे काम करती है, तो वोटिंग राइट तो आपके अभी भी कुछ लेवे हैं। बस ये वाली बात है कि आप माने ना माने, वोटिंग राइट अभी भी आपके पास नहीं है। संविधान, आप अभी भी संविधान को फॉलो नहीं करते, ना आपको करने दिया जाता है, तो अभी भी आप एक गुलाम देश में ही है। आखिरी सवाल, 24 में कौन? 24 में वही आएगा जो भारत की बात करेगा, भारत के हित की बात करेगा, भारत में नाम बताइए नाम। मुझे तो मोदी जी भी मोहब्बत की बात करते हैं यहाँ से लाहौर तक। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, जबकि मोदी जी कुछ ढंग की बात करा करो, मन की बात बीवियों से करते हैं, ढंग की बात करा करो, प्रधानमंत्री हो तो 24 में मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम के तमाम गठबंधन बैक करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी वक्त देने के लिए आपका। तो ये अमन रिजवी हैं, आपने सुना इनकी जो बात है, इनकी जो राय है, बहुत ही बेबाक अंदाज़ है इनका, और हर मुद्दे पर ये ऐसे ही राय रखती हैं। जो भी बातें आपने सुनी, आपको इनकी बात कैसी लगी, इनकी राय कैसी लगी, हमें भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद।